दोस्तों ये जो देख पा रहे हो ठंडा भाट का स्पोक व्हील है, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हो तो इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम बैरिंग निकालेंगे। तो बैरिंग एक साइड का काफी ज्यादा खराब हो रखा है, ठीक है। तो इस साइड का थोड़ा बहुत सही है और इस साइड का जो है काफी ज्यादा खराब है, जैसे कि देख पा रहे हो। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसा हालत है इस बैरिंग का, और मैं बैरिंग खोलना भी दिखा देता हूँ कैसे बैरिंग खोलना है, ठीक है। तो बैरिंग खोलने के लिए हमको लेना पड़ेगा एक, जो ये देख पा रहे हो रॉड है ये किसी का, ठीक है। तो ये इससे भी कम चल जाता है, ये होता है सैफ। तो ये काफी बड़ा है छेद, तो इसमें घुस जाएगा आसानी से, तो ये बढ़िया होता है। और मतलब अल्लाह ऑयल का अगर निकालना जाओ तो ये इससे बढ़िया होता है, क्योंकि ये पतला है काफी। मोटे वाला क्या होता है, काफी जो बैरिंग होता है बैरिंग का साइज इससे भी मोटा होता है, ठीक है, पतला भी होता है। तो क्या होता है कुछ बार बढ़िया से घुस नहीं पाता, अगर घुसता भी है तो टेढ़ा नहीं होता। तो उस वजह से क्या करना था, ये हम ले लेते हैं, इससे बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हम बैरिंग को पहले निकल लेते हैं। कैसे निकलना रहता मैं वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो पैर है पैर को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, जैसे कि बैरिंग अगर उधर से निकले तो नीचे को गिर जाए, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा ना, मतलब जो फेस है फेस के बराबर रहेगा, फिर निकलेगा नहीं बढ़िया से। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से रखेंगे, या तो आप दीवार पर भी रख सकते हो, तो फिलहाल मैं ऐसे रखूंगा। तो ये ले लेंगे, और ये जो होता है इसका फेस काफी बढ़िया होना चाहिए, फिर बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसका जो फेस है बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर ये कहीं से मतलब इस तरीके से रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए इसको घुसा के खोल लेते हैं, टेढ़ा करके फिर हम क्या करेंगे, चोट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। देख पा रहे हो सीधा जा रहा है, एक जगह पे लॉक हो जा रहा है, ठीक है, इस जगह पे लॉक हो गया। फिर हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा उधर तक लगाया, लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पलटा लेंगे एक बार। तो क्या करेंगे, टेढ़ा करके फिर कुछ लगाएंगे, तो इस तरीके से खुलता है। खोल लेता हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके से हमको साइड करना होगा, एक साइड जैसे कि देखो रहे फ्रेंड्स, निकल गया ये हमारा, ठीक है, ऐसे चोट मारने पर निकल गया। और ये देख पा रहे हो कितना खराब है, आवाज आ रहा है ना, खराब है, मतलब एक साइड का निकल गया। अब एक साइड का अगर निकल जाएगा फिर आसानी से दूसरे साइड का भी निकल जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से। दोस्तों जैसे कि आपको स्पोक व्हील में दिखाया, आप चलिए क्या करते हैं, ये जो एलो व्हील है पल्सर गाड़ी का है, मतलब पल्सर का है, तो एक बार इसका भी खोल लेते हैं, कैसे खोला जाता है इसका भी एक बार दिखा देता है, ठीक है। तो सेम तरीका है, तो क्या करेंगे हम, ये जो है देख पा रहे हो यहीं पे लॉक हो रहा है, ठीक है। तो स्पोक व्हील का थोड़ा सा आसान होता है, और एलो व्हील जो होता है उसका थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो कुछ इस तरीके से सेम जो प्रोसेस है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो हम कुछ इस तरीके से इस साइड ठोकेंगे, ठोकने के बाद देख पा रहे हो लॉक हो गया, जो साउंड आ रहा है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो हम सीधा नहीं, थोड़ा सा क्या करेंगे, टेढ़ा करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स, टेढ़ा करेंगे, ठीक है, जो ये आवाज चेंज हो गया, ठीक है। तो लॉक हो गया कहीं पे, मतलब जाने वाला नहीं है। तो क्या हो गया, अभी जब हम ऐसे सीधा ठोकेंगे तो नीचे की तरफ चल जाएगा, फिर हम जब ऐसे डाल के फिर थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, मतलब फिर क्या होता है, अंदर वाला जो ये बूस होता है, बूस क्या होता है, थोड़ा सा साइड हो जाता है, थोड़ा सा साइड हो जाता है, फिर चोट जो पड़ता है, चोट इस पर पड़ता है बैरिंग में, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल आराम से चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि निकल गया, एक तरफ का निकल गया, ठीक है दोस्तों। अगर एक तरफ का निकल जाएगा ना, फिर क्या होगा, बहुत आसानी से और एक दूसरी तरफ का भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसकी बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल नया है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, अंदर बिल्कुल क्लीन है, मतलब कंपनी फिटेड था, एक बार भी नहीं खोला है, तो पहली बार ही खोला है, तो आसानी से खोल गया, ज्यादा परेशानी नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो एक तरफ अगर खुल जाएगा ना, दूसरी तरफ भी बहुत आसानी से खुल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो, मतलब बैरिंग निकल गया हमारा, ये है एलो व्हील, पीछे का पहिया है,
पीछे का चक्का है, ठीक है। तो और दोस्तों क्या होता है, कई बार जो आगे वाला चक्का होता है, ठीक है, काफी चक्के में आगे वाले में क्या होता है, थोड़ा सा परेशानी करता है। क्या परेशानी होता है दोस्तों, जैसे कि ये जो फेस बना हुआ ना, ये काफी ज्यादा बनाता है, और थोड़ा अंदर को, मतलब ये बूश लगने के लिए एक जो ये कॉलर बना होता है, मतलब सेंटर रखने के लिए उस बूश को, तो उसमें क्या होता है, कई बार एक जो कॉलर होता है, कॉलर नहीं होता इस तरीके से, नहीं होता क्या होता है, सिर्फ ये बूश ही होता है, और कॉलर जो बना होता है वो इसमें बना होता है, ठीक है, ये अलाउ हिल में बना होता है। तो क्या होता है, तो ये जो कॉलर बना होता है आगे वाले में क्या होता है फ्रेंड्स, जिस साइड मतलब ब्रेक शू लगता है ना, उस साइड नहीं, उसके ऑपोजिट साइड, ठीक है, जिस साइड ब्रेक शू नहीं लगता, सिर्फ हमारा जो रबड़ वाला जो होता है जिस साइड, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि इस साइड में, ठीक है, तो इस साइड में बना होता है वो कॉलर, न के इस साइड में बना नहीं होता, ठीक है, तो जो बना होता है इसी साइड में बना होता है, उसी टाइम हमको मतलब याद रखना पड़ता है, तो किस साइड में वो कॉलर बना होता है, तो जिस साइड से कॉलर बना होता है उसके अपोजिट साइड क्या करना है, हमको ठोकना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो वो बीच में बना नहीं होता, वो एक ही साइड में बना होता है, जैसे कि मतलब बीच से थोड़ा ऊपर या तो बीच से थोड़ा नीचे, ठीक है, वो आपको याद रख के फिर खोलना है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ये रिक्वेस्ट वाला वीडियो था, तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था मुझे काफी दिन पहले, किसी सब्सक्राइबर भाई ने, तो आज फाइनली टाइम मिला है मुझे, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और मेरे पास कभी आएगा मतलब मैं दिखा दूंगा कैसे खोलना है फ्रंट वाले वायरिंग को, ठीक है दोस्तों।